देवी पार्वती ने प्रथम गुरु बनकर कार्तिकेय का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। फिर सबके सामने आया माँ का वो सबसे अलग रूप। सबके लिए कल्पना करना भी कठिन था कि जो सब पर दया करती है, जो इतनी ममतामयी माँ है, वो स्वयं अपने पुत्र के साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकती है। समय हो गया। अब मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाओ। मैंने तो सोचा था कि इतने परिश्रम के पश्चात माँ मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी, किंतु ये क्या, केवल दो फल। अब सूर्य नमस्कार आरंभ करो। हाथ सीधा होना चाहिए, दृष्टि सतर्क, पांव दृढ़ता के साथ जमीन पर खड़े होने चाहिए, पर तीव्र गति से संचालन के लिए सदैव तैयार। नजर सामने कार्तिकेय, अब लिखो ओम। वेदों का पठन पाठन का माध्यम होता है श्रुति और वाचन, अर्थात सुनना और उच्चारण करना। सबसे पहले यहीं से आरंभ करेंगे। कार्तिकेय, संसार में कुछ भी इतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है। इस साधारण से खेल में भी तुम्हें योजना बनानी होगी। अपने प्रतिद्वंद्वी को मानसिक चक्रव्यूह में उलझाना होगा। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारी अगली चाल ये है, परंतु उसके अनुमान के बिल्कुल विपरीत पहले से और भी अधिक प्रभावी वार करना होगा। आपने ये गलत किया प्रभु, कार्तिकेय अभी केवल एक पत्थर है। इसे परिश्रम और ज्ञान की अग्नि में तप कर
रत्न बनाना होगा हमें, इस तरह इसकी सहायता करके नहीं। आप सही कह रही हैं प्रिय, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पुत्र मोह में ये भूल कर बैठा। जानती हूँ पुत्र, बहुत कड़ा श्रम करवा रही हूँ तुमसे, पर विवश हो, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत दृढ़ नींव की आवश्यकता है। कुमार का प्रशिक्षण तो दिन पर दिन और भी अधिक कठिन होता जा रहा है। इसका परिणाम भी दिखाई देने लगा है देवराज। अब तुम्हारी शिक्षा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा पुत्र। अब तुम्हें अपने पिता से शिक्षा लेनी होगी। तुम्हारी माँ से तुम्हें व्यवहारिक और संसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है पुत्र, अब मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अद्भुत पिताजी, अद्भुत है ये भावना। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आप दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला। व्यवहारिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मिला है मुझे आप दोनों से। पर मुझे लगता है कि बिना गुरु के मेरी शिक्षा कहीं अधूरी ना रह जाए। देवी, हमारे पुत्र के लिए ऋषि अगस्त्य ही सर्वोचित गुरु होंगे। आप निश्चिंत रहिए, अब आपके पुत्र कार्तिकेय का दायित्व मेरा है। कलारी पायाट्ट, मल्लखंभ और अन्य युद्ध कलाओं में प्रवीणता आवश्यक है, किंतु इन शारीरिक तकनीकों के साथ साथ तुम्हें युद्ध नीति भी सीखना आवश्यक है। जी गुरुदेव। यदि ये तारकासुर का दुर्ग है तो सोच कर बताओ पुत्र, कैसे भेदोगे इसे, कैसे पराजित करोगे तारकासुर को? शत्रु के पराजय का रहस्य उसके व्यवहार में छुपा होता है गुरुदेव। हर प्रतिद्वंदी की कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है, मैं उसी दुर्बलता को ढूंढकर सटीक वार करूंगा।
ये एकमात्र मार्ग है दुर्ग के भीतर से बाहर शस्त्र पहुंचाने का। यदि इसे ध्वस्त कर दिया तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई पुत्र। अब आप हमारे सेनापति हैं तो हमें किसी का भी भय नहीं। भय तो उस तार का सुर को होगा कुमार, अपनी मृत्यु की संभावना से ही कांप रहा होगा। उसका मनोबल इस समय बहुत ही कम होगा और हम देवता बड़ी सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हो गया होगा। परम से युद्ध करने में, उन पर आघात करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सीधे उस बालक पर आक्रमण करेंगे हम। यदि उस बालक का वध हो गया तो फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं बचेगा। और वैसे भी उस बालक के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। आपके पास युद्ध का अनुभव नहीं है कुमार, इसलिए आप पीछे रहेंगे, आगे हम जाएंगे और उन असुरों को आप तक पहुंचने से रोकेंगे। वो निश्चित ही हमें रोकने में अपना सारा बल लगा देंगे, पर हमें उन्हें रोकना नहीं, अपने निकट और निकट आने देना है उन्हें, ताकि वो सब स्वयं मेरे माया जाल में फंस जाए। एक बार सारे देवता अलग हो गए तो फिर वो बालक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। फिर देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे कार्तिकेय को असुरों का सामना नहीं होने देंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना माँ। वर्षों तक देवता कार्तिकेय जी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि तारकासुर को मारा जा सके, और अब वही उन्हें युद्ध करने से रोकना चाहते थे। यही तो माया की शक्ति है सुपर, जिसकी जननी स्वयं श्री माता ही। प्राणी कब माया जाल में फंस जाता है उसे पता ही नहीं चलता। माई अच्छे से जानती थी कि देवताओं ने उनके पुत्र को सेनापति का जो पद दिया है वो एक औपचारिकता से अधिक और कुछ भी नहीं। देवताओं को यह विश्वास नहीं था कि कार्तिकेय उन्हें युद्ध जिता सकते, इसलिए उचित अवसर आने पर कार्तिकेय के लिए यह आवश्यक था वह उनका विश्वास अर्जित कर सके अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से। सचमुच भैया जी, मां जितनी अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी है इनका कार्य करने का ढंग। जय मां भगवती। जय मां भगवती। एक और देवता कार्तिकेय को बालक समझकर उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर तारकासुर की पत्नी थी कार्तिकेय की शक्ति का आभास होने लगा था। मां, आज मेरे पति के साथ मेरे पुत्र भी इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं।
कृपया मेरे परिवार की रक्षा। मां, आपके मुख का तेज, ये तो अशुभ संकेत है। इसका क्या अर्थ हो सकता है मां? इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? स्वामी, शिव पुत्र के साथ युद्ध करने के अपने इस निर्णय पे पुनः विचार कीजिए। स्वामी, मां के मुख से तेज का अचानक चले जाना, पूजा से पहले शस्त्रों का भूमि पर गिर जाना, ये सब अशुभ का संकेत है स्वामी। अशुभ नहीं, मूर्खता है। तुम्हारा घबरा जाना, हड़बड़ा जाना तुम्हारे स्वभाव के अवगुण है और कुछ नहीं। आज भले भले ऋषि महर्षि देवताओं के स्थान पर आज मेरी पूजा करते, ये सब मैंने अपनी वीरता से प्राप्त किया है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी हड़बड़ाहट को अशुभ का संकेत समझकर तिनके के समान उस बालक से भयभीत होकर ये सम्मान, ये राजपाट, ये ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दूं? कभी नहीं। उस बालक से हार मानना तो दूर, उससे युद्ध करना भी मेरे लिए व्यर्थ। मेरे सामने वो एक कांटे से अधिक और कुछ नहीं, और उस कांटे का सामना करने के लिए तो मेरा छोटा पुत्र तराज ही पर्याप्त है। अवश्य पिताजी, उस कांटे को तो एक चुटकी में तोड़ के फेंक दूंगा मैं। इंद्र के स्वार्थ का प्रयोग उसी के विरुद्ध करना पुत्र, अति के आत्मविश्वास के कारण उस युद्ध में उस बालक को अकेला ही छोड़ देगा। उस अवसर का लाभ उठाना, क्योंकि एक बार वो बालक मारा गया तो देवताओं का सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा। मैं समझ गया पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। एक मूर्त तारकासुर का छोटा पुत्र अपने पिता के आज्ञा से कार्तिकेय का अंत करने निकल पड़ा था, तो दूसरी ओर कार्तिकी इस युद्ध को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मान पूर्ण वीरता से असुरों का सामना करने प्रस्तुत था। अब आजा तारकासुर, तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा है। आजा इंद्र, तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है। शिव पुत्र तो क्या, स्वयं शिव भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। पिताजी, मैं ताराक से अधिक योग्य और अनुभवी हूं, फिर भी आपने उसे युद्ध करने भेजा, मुझे नहीं। क्योंकि वो तो केवल एक प्रिय पुत्र है, पर तुम मेरे उत्तराधिकारी हो विदुर माली, और तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। जिस पुत्र का पिता ही उसका शत्रु हो जाए तो इस पूरे जगत में उसकी रक्षा कौन कर सकता है?
दुर्ग का द्वार खुल रहा है, सावधान। हमें उनसे पहले अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीति कहती है यदि युद्ध से पहले संधि की तनिक भी संभावना हो तो उसे एक अवसर अवश्य देना चाहिए। अच्छा ही हुआ कि हमने कुमार को पीछे रखा है। कुमार बालक है, अस्त्रों के साथ युद्ध का अनुभव नहीं है उन्हें। कुमार को असुरों की दुष्टता का आभास नहीं है, संधि के बारे में तो सोच भी नहीं सकते वो। रुचि नहीं है। आपने सही सुना, हम असुर मानते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्ग चाहते ना देवराज, हम संधि के लिए तैयार है, दे देंगे आपको आपका स्वर्ग। और देवताओं सभी असुरों की ओर से मैं ये वचन भी देता हूं कि भविष्य में हम सबको शांति से जीने देंगे। बस एक शर्त है हमारी, कार्तिकेय को हमें सौंप दीजिए। तार का सुर तो कुछ अधिक ही चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहा है। देवताओं की सेना अपने सेनापति को शत्रु के हाथ में सौंप देगी, इसकी कल्पना करना मूर्खता है। या फिर कुशल युद्ध नीति, कहीं देवराज इंद्र स्वर्ग के लोभ में हमारे पुत्र को। स्वर्ग के लिए तुम्हें कुमार को सौंपते? प्रस्ताव बुरा तो नहीं है। यदि असुरों की कुटिल दृष्टि से देखा जाए तो कितनी आसानी से तुम भूल गए कि कुमार हमारे सेनापति हैं, देव सेना का गौरव है। तुम असुरों से तो ऐसी ही मूर्खता की आशा थी।
अब इस अपमान का उत्तर मेरा यह अस्त्र देगा। रुकिए, इतने क्रोधित मत हो ये देवराज। असुरों का प्रस्ताव इतना भी बुरा नहीं है कि विचार किए बिना ही ठुकरा दिया जाए। जब तारकासुर स्वयं अपने काल को अपने पास बुला रहा है तो मैं क्यों ना चले ही जाऊं। सीधे उसका सामना करूंगा तो निर्दोषों का रक्त बहाए बिना ही इस युद्ध का अंत कर पाऊंगा। क्या चल रहा है कार्तिकेय के मस्तिष्क में? ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? हम यहां समर्पण करने नहीं, युद्ध करने आए। और वैसे भी हम आपको इतने संकट के मुख में नहीं भेज सकते। आप तारकासुर का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे कुमार। तुमने ऐसा प्रस्ताव देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ना तो तुम संधि के योग्य हो और ना ही क्षमा के। देवताओं का कोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण! आप यही प्रतीक्षा कीजिए कुमार, सेना की एक रुकनी सेनापति की रक्षा करेगी, बाकी सब मेरे पीछे आए। देवताओं को लगता है कि हम इनसे भयभीत हैं, किंतु हमारी योजना कुछ और ही है। देवताओं, दुर्ग द्वार को भेदने में हम सफल रहे, अब विजय निश्चित है। महल की ओर बढ़ो। ये क्या हो रहा है देवराज? छली असुरों ने हमें अपने माया जाल में फंसा लिया है। और उधर रणभूमि में कार्तिकेय बस कुछ ही सैनिकों के साथ हैं। प्रभु अब क्या होगा? प्रभु अब क्या होगा? ये कैसे संभव है?
आश्चर्य हो रहा है, आंखों के सामने इतना विशाल दुर्ग लुप्त हो गया। वास्तविकता में तो देव सेनापति यहाँ पे दुर्ग था ही नहीं, यहाँ पे तो हमारा माया जाल था, ये मेरा माया जाल था जिसमें तुम्हारा देव राजा वो अभिमानी इंद्र सरलता से फंस गया और हमारी योजना सफल हुई। अब अपने आप को समर्पण कर दो कार्तिकेय, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तारकासुर ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया, सारी देवताओं की सेना उसके जाल में फंस चुकी है। महादेव, इतने शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मेरा पुत्र अकेला रह गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये आप क्या कर रही हैं देवी? वही जो एक माँ को करना चाहिए, अपने पुत्र की रक्षा। माँ का कार्य केवल रक्षा करना नहीं होता देवी, आत्मरक्षा सिखाना भी उनका दायित्व होता है। आप जानती हैं, जैसे किसी पौधे को आवश्यकता से अधिक छाव मिल जाए तो वो भी कुमला जाता है, ठीक उसी प्रकार पौधे के उचित विकास के लिए धूप भी उतनी आवश्यक होती है जितनी छाव। देवी, अपने पुत्र और अपनी शिक्षा पे विश्वास रखिए। वाह पिताजी, क्या योजना बनाई है आपने। सारे देवता अभी तक हमारे माया जाल में फंसे हुए हैं और उधर वो शिवपुत्र ताराक्ष के सामने अकेला रह गया। विजय केवल शक्ति से नहीं मिलती है पुत्र, योजना बनाकर अपनी शक्ति के उचित प्रयोग से मिलती है, जैसे अब हमें मिलेगी इस शिवपुत्र पर विजय। स्वामी का इतना अधिक अहंकार मेरे मन में भय क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्या हुआ सेनापति कार्तिकेय? अपने रक्षक देवताओं को बंदी देखकर मन घबरा रहा है? चिंता मत करो, युद्ध में किसी निर्दोष का रक्त बहे उसके पक्ष में मैं भी नहीं हूं, इसलिए यदि मुझसे भय ना लग रहा तो आओ हम दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और अपने बाहुबल से इस युद्ध का परिणाम निश्चित कर ले। माता इतनी चिंतित क्यों है? सेना का कार्य अपनी सेनापति की रक्षा करना नहीं होता, विपक्षी सेना से युद्ध करना होता है और सेनापति का कार्य उस युद्ध का नेतृत्व करना होता है। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है असुर, जो शस्त्र उचित लगे चुन लो।
शिवपुत्र तो भयभीत है। आक्रमण करने का स्थान पर ताराक्ष के प्रहारों से बचने का प्रयास कर रहा है। ताराक्ष के सभी प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। तुम्हारी योजना सफल हो रही है पुत्र। असुर थक रहा है। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। कार्तिकेय की युद्ध कला प्रशंसनीय है, किंतु अब भी इसकी बड़ी परीक्षा शेष है। जब स्वयं तारकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आएगा। अब आप ठीक हैं देव? महादेव, संकट अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। देवराज और उसकी सेना अभी भी फंसी हुई है। मुझे संदेह है कि तारकासुर अब और भी अधिक तीव्रता से आक्रमण करेगा। मूर्ख कहीं का, उस बालक को चिढ़ाने और खेलने में ही इतना समय व्यर्थ कर दिया। गवा दिया अपना जीवन और मेरा सम्मान। अभी तक पराजय नहीं हुई है पिताजी। इंद्र और उसकी सेना अभी तक हमारे बंदी है। और इस बात का तो प्रश्न उठता ही नहीं कि ये छोटा सा बालक किसी भी तरह से हमारा माया जाल तोड़ देगा। विजय की संभावना अभी भी शेष है पिताजी। तो जाओ विदुर बालक, जाकर युद्ध करो और प्रतिशोध लो अपने भाई की मृत्यु का। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। जिस तरह से मेरे भाई का शीश कटकर भूमि पर गिरा है, उसी तरह से उस शिव पुत्र का शीश कटकर मैं लाऊंगा। शिव पुत्र से युद्ध मत करो। कहीं ऐसा ना हो पार्वती के स्थान पर मेरी कोख सुनी हो जाए। प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित मत करिए माँ। हटो मेरे मार्ग से। स्वामी, ये आपका उत्तराधिकारी है। स्वामी, आप इसके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकते हैं? जब उसके और मेरे प्राणों में से
किसी के प्राणों पर संकट आना ही है तो उसके प्राण क्या बुरे हैं। तुम्हें तो अनेक पुत्र मिल जाएंगे पर पति परमेश्वर तो बस एक ही होता है ना। मुझे देवराज और अन्य देवताओं को असुरों के मायाजाल से शीघ्र ही मुक्त करना होगा। अब हम क्या करें सेनापति? सेना के बिना तारकासुर से युद्ध कैसे करेंगे हम? हमें भाग जाना चाहिए सेनापति, प्राण बचेंगे तो हम भविष्य में अवश्य युद्ध कर पाएंगे। हम सेनापति हूँ मैं, अपनी सेना को शत्रु की बाद में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है, यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है, अब वही हमारी सहायता करेगी। देखा देखा कितना भयभीत है ये, प्रार्थना कर रहा है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, और ऐसा नहीं होगा। ना ही इसके पिता मेरा वध कर सकते हैं ना ही माँ, तो फिर इस पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझसे इसकी रक्षा कर पाए। स्वामी का इस प्रकार अहंकार उचित नहीं है, अंततः है तो वो देवी पार्वती और महादेव का पुत्र, न जाने कितनी असीम शक्तियों का स्वामी होगा वो। माँ, मुझे कोई आभास तक नहीं है कि मैं असुरों के इस महाभीषण मायाजाल को कैसे तोड़ूं, कैसे रक्षा करूं मेरे सेना की। किसी भी माया जाल की आत्मा क्या होती है पुत्र जानते हो? कल्पना की शक्ति। कल्पना से ही माया मूर्त रूप लेती है और उसी से दृढ़ होती है। अपने भीतर के ज्ञान का प्रयोग करो कार्तिकेय, फिर संसार के किसी भी माया को भेदने में सफल होगे। मुझे इस माया जाल को तोड़ना ही होगा। कार्तिके, आपने असुरों का माया जाल तोड़ दिया, हमें बचा लिया आपने। आपकी जय हो सेनापति की। जय सेनापति की। जय सेनापति की। सेनापति की। ये जयकार मेरी नहीं आपकी है माँ। दूर रहते हुए भी आपने अपने पुत्र की सहायता कर ही दी। एक माँ अपनी संतान से शारीरिक रूप से भले ही दूर, पर इतनी दूर भी कभी नहीं होती कि उसकी हर इच्छा उसकी हर पीड़ा बिना कहे समझ ना पाए। एक माँ अपने संतान को शिशु अवस्था से ही जान जाती है, जब वो बोल भी नहीं पाता, जब उसे ये भी नहीं पता होता कि वो भूख से रो रहा है या नींद से। संतान भी अच्छी तरह जानती है कि उसे कष्ट हो तो माँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल के उसकी ओर दौड़ती है। इसीलिए संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए पर कष्ट की घड़ी में उसके मुख से पहला शब्द मां ही फूटता है। कैसे कैसे तोड़ा हुआ है ये माया जाल, कैसे? अब तो आपको विश्वास हो गया स्वामी कि कोई साधारण बालक नहीं है,
मैंने आपसे पहले ही कहा था, शस्त्रों का गिरना अशुभ संकेत है। मूर्ख स्त्री, अशुभ तो तू है। हमें क्षमा कर दीजिए कुमार, हमने आपकी क्षमता को कम आका। हाँ कुमार, हम जानते थे कि आप तारकासुर का वध करने में सक्षम हैं, फिर भी हमने आपकी योग्यता पे विश्वास नहीं किया, हमें क्षमा कर दीजिए। आपके मन में मेरे हित की भावना ही थी, इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी मैंने जो भी किया है माँ की सहायता से ही किया है। जो भूल मैंने पहले की थी वो अब नहीं करेंगे कुमार, इस युद्ध का नेतृत्व आप कीजिए। गरुड़ व्यो, गरुड़ व्यू की रचना करो। मैं व्यर्थ ही आपकी चिंता कर रहा था, आप में तो स्वयं महादेव और माँ आदि शक्ति का अंश है। आप धन्य है सेनापति कार्तिकेय, आप धन्य है। जिसे स्वयं शक्ति ने प्रशिक्षण दिया इतनी वीरता से युद्ध करना तो स्वाभाविक ही है।
फेस्ट करने के लिए अब और समय नहीं है विदुर बालक। इस बालक पर आक्रमण करो, रोको इसे। वर्षों का प्रशिक्षण तुम्हारे साथ है विदुर मालिक, जबकि ये बालक पूरी तरह अनुभवहीन है। जो कार्य ताराक्ष नहीं कर पाया अब वो तुम करोगे। शाबाश मेरे पुत्र, अब अवसर का लाभ उठाओ और वध कर दो इस शिव पुत्र का। देवी, केवल गिर जाने से हार नहीं होती, उसे स्वयं ही उठने दीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु मुझे इसे पराजित करना ही होगा। Ah
पराजय मन में हार मानने से ही होती है पुत्र। यदि तन में क्षमता है और मन में इच्छा है तो विजय की संभावना शेष है। पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा माँ, इससे मैं कैसे युद्ध करूँ? ऐसे सीमा तन की होती है परंतु मन असीमित होता है कार्तिकेय। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। मुझे ध्वज की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं अपने शत्रु के पैरों की ध्वनि सुन पा रहा हूं और वो तीव्र गति से तलवार चला रहा है। मुझे ध्वज के पास पहुंचना होगा ताकि मैं उसे अपना शस्त्र बना सकूं। और ध्वज जो अपने शत्रु के विरुद्ध उपयोग कर सकूं। दया कीजिए गौरी शंकर सूत। मुझे जीवन दान दे दीजिए। व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा तब होती है देवी जब चुनाव करना कठिन हो। इसे स्वयं निर्णय लेने दीजिए। का विश्वास मत कीजिए सेनापति। ये असुर है कुमार, छल करना असत्य बोलना ये इसका स्वभाव है। नीति के विरुद्ध निर्णय मत लीजिए देव। देव सेनापति, मैं तो आपका शरणागत हूँ और शरणागत का प्राण बचाना तो आपका धर्म है। दया कीजिए, दया कीजिए। शरण में आए हुए का वध कैसे करूं? पर दुष्ट असुर को तो जीवित भी नहीं छोड़ सकता। कैसी दुविधा है ये? रोज शत्रु के पांव में गिर जाए वो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तारकासुर स्वयं यहाँ आ गया। प्रतीत होता है क्रोध में स्वयं अपने पुत्र का अंत कर देगा। इस कार्तिकेय का अंत करने के लिए यही उत्तम अवसर है। उन्हें दिया जाता है केवल दंड।
महादेव, हमारे पुत्र ने युद्ध की मर्यादा तो रख ली, परंतु वो तारकासुर का सामना कैसे करेगा? पुत्र कितना भी क्षमतावान ही क्यों ना, पर मां की ममता सदैव उसकी चिंता करती रहती है। पर हमारे पुत्र में तो आपका अंश है, आदि शक्ति का अंश, और आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना ही पड़ेगा। देव, इतनी कम आयु में इतने बड़े असुर से युद्ध कर रहे हैं राजकुमार कार्तिकेय, और वो भी बिना किसी भय के। और यही नहीं, वायुदेव, तारकासुर जैसे भीषण योद्धा के प्रहारों का उत्तर अपने अस्त्रों से देकर कुमार अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो किसी और में यह सामर्थ्य कहां कि तारकासुर जैसे योद्धा के सामने इतनी देर टिक पाए। मैंने सुना था असुर शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकते, क्या तुम असुर भी ऐसा ही मानते हो क्या तारकासुर? हम असुर मानते हैं कि शत्रु को योग्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। रुक रुक बालक, प्रहार कर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में है। मुझे मारना चाहता है तो जा, पहले उन्हें काट। तारकासुर के प्राण माँ के चरणों में, किंतु ये कैसे संभव है? माँ पर प्रहार करने का मैं विचार भी नहीं कर सकता हूँ, किंतु फिर तारकासुर का अंत कैसे करूँगा मैं? ये राक्षस राज तो बड़े ही बुद्धिमान निकले, कार्तिकेय को ऐसी दुविधा में फंसाया जिसका कोई समाधान ही नहीं है। नहीं, अब देखिए कि कोई भी पुत्र अपनी माँ से क्रोधित हो सकता है, घर छोड़कर जा सकता है, पर अपनी माता के चरण काटना ये तो असंभव ही। इसे बुद्धिमानी नहीं, इसे धूर्तता कहते हैं दीदी। भला धर्म और माँ, इन दोनों के बीच में से किसी एक को कोई कैसे चुन सकता है भला? पर
चुनना तो पड़ा ही होगा ना, क्योंकि यदि तारकासुर नहीं हारता तो संसार कैसे बच पाता। परंतु मां, सदैव अच्छे व्यक्तियों को ही ऐसी कठिन परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही भगवान से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उनको अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्थान देने से पहले भगवान के लिए भी अनिवार्य होता कि वह उनकी परीक्षा ले। कार्तिकेय के लिए भी ये चुनाव करना बहुत कठिन था। या तो उसे अपने कर्तव्य को चुनना पड़ता जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, या तो अपने माँ को जो उनके अस्तित्व का आधार थी। इतने छोटे से बालक के लिए इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? परीक्षा जब पहेली बनकर चुभने लगे तो उसका समाधान ढूंढना आवश्यक हो जाता है। वाराणसी के एक सेठ ने अपनी माँ के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मातृभक्त ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि हे माँ, मैंने तुम्हारे नाम को शताब्दियों तक अमर कर दिया, मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया। उसके ये कहते ही मंदिर का एक बड़ा भाग छत के साथ ढह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस संसार में बड़ी से बड़ी तपस्या कर भगवान को तो पाया जा सकता है प्रभु, परंतु माँ के ऋण से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। कि माँ तो वो है जो प्रसव के समय हंसते हंसते मृत्यु के मुंह में जाकर अपने संतान को जन्म देती है। उसके पालन पोषण के लिए मां अपना अस्तित्व भी भुला देती है। रात रात भर जाकर अपने संतान को सुलाती है मां, और उसे खिलाए बिना एक निवाला भी स्वयं नहीं खाती। अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है मां। ऐसी होती है मां। आयु कम है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, किंतु उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आप ये बतलाइए कि कथा में आगे क्या हुआ, कार्तिकेय ने क्या किया? मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अब आप हमारे सेनापति तो हमें किसी का भी भय नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी मां के चरण चंगलों में। सभी ने कितनी आशाओं से ये उत्तरदायित्व सौंपा था मुझे, अब कैसे निभाओ अपना दायित्व, कैसे रक्षा करो संसार की, कैसे? सारे संसार को असंभव लगता था उसे संभव बना दिया मैंने। जो कल तक अकल्पनीय था
उसे यथार्थ में बदल दिया। आज मैंने केवल उस बालक कार्तिकेय पर ही नहीं अपनी मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अपने काल को हरा दिया है मैंने। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? विश्वास नहीं हो रहा। कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। कल ना ये देवता यहां दिखाई देंगे और ना ही कार्तिकेय। वो कितना भी वीर क्यों ना हो पर अपनी मां के चरण कमल काटने की शक्ति उस पुत्र में नहीं है, किसी पुत्र में नहीं होती। अब बस बहुत हो गया महादेव, मौन रहकर मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। ये असुर युद्ध नहीं कपट कर रहा है, एक पुत्र को अपने माँ के विरुद्ध तलवार उठाने के लिए विवश करने का प्रयास कर रहा है। जानता ही नहीं कि ये अनर्थ कभी नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ हो गया है माँ। क्या कहना चाहते हो पुत्र? तुम्हारा अर्थ क्या है? आप दोनों ने ही मुझे सिखाया कि मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना, क्योंकि मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी नियति। इसलिए आज अपने धर्म का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। क्षमा कर दीजिए माँ, मैं विवश हूँ। माँ! ये कितने गंभीर मानसिक संताप से जूझ रहा है, इसका आभास मुझे है महादेव। इसकी पीड़ा मैं अपने हृदय में अनुभव कर पा रही हूं। जानती हैं देवी इससे क्या सिद्ध होता है? इसे अतः प्रेम है आपसे भी और इस संसार से भी, जिसे आपने ही रचा है। तभी तो संसार के हित के लिए यह आपका हित नहीं कर सकता, पर आपका हित ना करके इस संसार को अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश भी नहीं कर पा रहा। इस अंतर्द्वंद की पीड़ा हमारे पुत्र को अवश्य सहनी पड़ रही है पार्वती, पर हमें स्मरण रखना होगा कि स्वर्ण अग्नि के ताप को सहकर ही कुंदन बन पाता है। आप स्वयं को दोष मत दीजिए कुमार, ऐसी परिस्थिति में हम देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और कैसे। तो फिर आप तो बालक हैं कुमार, आपका तो भयभीत या भ्रमित होना तो स्वाभाविक है। पर ये विकल्प मेरे लिए नहीं है देवराज। एक और ये धरती है, सारा संसार है, जिसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसलिए तो जन्म हुआ है मेरा। और दूसरी ओर वो माँ है जिनके कारण मेरा अस्तित्व संभव हुआ है। दोनों में से किसी एक का चुनाव करना संभव नहीं है। अवश्य ही कोई और उपाय होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस असुर ने मेरी माँ के चरणों में अपने प्राण रखे हो और माँ को पता तक ना चला हो? ये तो मुझे भी विचित्र लग रहा है कुमार। क्या ये संभव है कि ये असुरों की कोई नई चाल हो? अवश्य ही वो असत्य बोलकर हम सबको भ्रमित कर रहा है। या तो फिर ये भी तो संभव है
कि उसने कहा तो सत्य ही हो, पर उसके सत्य का अर्थ कुछ और हो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में। उसने कहा था कि उसने अपने प्राण मेरी माँ के चरण कमलों में रखे। चरण कमलों का कोई और भी अर्थ हो सकता है क्या? ये तो अब हमें तारकासुर ही बताएगा। पर तारकासुर स्वयं अपने रहस्य को उजागर क्यों करेगा कुमार? करेगा देवराज। हम उचित कुंजी लगाएंगे तो अपने रहस्य का ताला अवश्य खुलेगा, पर उसके लिए जैसा मैं कहूं आपको वही करना होगा। ऐसी क्या योजना बनाने जा रहा है ये? इसने देवराज से क्या कहा होगा प्रभु? कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं करने जा रहा जिससे ये फिर से किसी संकट में पड़ जाए? अभी तक हमारे पुत्र ने केवल शक्ति और भक्ति का ही परिचय दिया है, पर अब समय आ गया है इसे बुद्धि की परीक्षा भी देनी होगी। जिसके पास शक्ति भक्ति और बुद्धि का संगम हो उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई पराजित नहीं कर सकता। देवी, अब मैं शीघ्र ही उस तारकासुर के वध का रहस्य पता लगा के उसके प्राण हर लूंगा। महारानी, महारानी, आप देवी माँ में आस्था रखती हैं, भक्ति की शक्ति पर विश्वास है आपको, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको सावधान कर देना चाहिए। यदि आपने अपने स्वामी को नहीं रोका महारानी, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। असुर राज ने बालक कार्तिकेय की क्षमताओं को कम आंकने की भूल की है। सर्वज्ञाता महादेव शिव शंकर का पुत्र है वो, उन शक्तियों का पुत्र है जो कभी दुर्बल पड़ ही नहीं सकता। इसलिए हो सके तो आप अपने पति को रोकिए, समझाइए, उनकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा उनके प्राण जिन चरण कमलों में है। वो गौरी शंकर सुत उनका विनाश करके रहेगा। देवराज, स्वामी कार्तिकेय को आपके चरण कमलों का रहस्य पता चल चुका है। स्वामी अब क्या होगा? यह तो सुरक्षित है, व्यर्थ में ही मैं चिंतित हो रहा था। तो ये है वो कमल
जिसमें बसी है तारकासुर की प्राण शक्ति। अब मुझे ज्ञात हो गया कि तारकासुर के प्राण हरने हैं तो मुझे इस कमल को नष्ट करना होगा। अनिष्ट का संकेत है स्वामी। स्वामी क्या हो रहा है आपको? स्वामी देवी पार्वती के चरण कमल नष्ट होते तारकासुर की कवच शक्ति का अंत हो गया, किंतु फिर आरंभ हुआ वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को कई वर्षों से थी। कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध, और अब की बार कार्तिकेय के वार से तारकासुर को कोई नहीं बचा सकता था। मेरे साथ छल करके तूने मेरे स्वर्ण कमल को भले ही नष्ट कर दिया हो, पर तू मेरे मनोबल को नष्ट नहीं कर सकता और ना ही मेरे भुजबल को। अब भी इतना शक्तिशाली हूं मैं कि तुझ जैसा असंख्य बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता ही है ना, यज्ञों की आहुति मेरे नाम पर होती है। भय से दी गई आहुति आस्था के छोटे से दीपक का भी सामना नहीं कर सकती। तारकासुर, आज तुम्हारा अंत होगा और वो अंत करूंगा मैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में सभी दिव्य शक्तियों को धर्म का साथ तो देना ही था, और भगवान भी अपने आप को इस संघर्ष से जुड़ने से रोक नहीं पाए। तभी नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, शक्ति अपने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वहां पहुंच गए। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिकेय में उन सब की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अंत में वहां दुर्गा मां प्रकट हुई। उन सब की असीमित बल से प्रेरित होकर वो गौरी शंकर सुर काल बनकर तारकासुर पर टूट पड़े। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमा योद्धारिणी। देवराज, क्या हमारा स्वप्न सत्य में सच हुआ? क्या तारकासुर सच में मारा गया?
कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र 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 कार्तिकेय की जय। और इस प्रकार स्कंदमाता के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे महादुष्ट राक्षस का अंत किया और संसार की रक्षा। उसके बाद देवी पार्वती ने गणेश को जन्म दिया। नवरात्रि के पांचवें दिन हम इन्हीं देवी की पूजा करते हैं। आइए आरती करके हम स्कंदमाता की पूजा संपन्न करते हैं। समय तक पूजा करेंगे ये सब? कथा तक तो फिर भी ठीक था, पर अब तो कार्तिकेय के छोटे भैया के वाहन मूसक देव हमारे उधर में अशांति फैला रहे हैं। अब तो अति ही हो गई, इनकी पूजा का कार्यक्रम तो न जाने कब तक चले। हम जाकर पेट पूजा करते हैं। आप सबकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। गरुड़, तुम अपनी मां की इच्छा अवश्य पूरी करोगे। भविष्य में जब भी एक आदर्श पुत्र का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा। आप सबकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। माँ की सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मैं प्रभु नारायण की सेवा करूं, और मेरी भी बस यही एक मनोकामना है कि नवरात्रि के सभी व्रतों को पूरे विधि विधान से पूरा करके मैं अपने प्रभु का वाहन बन पाऊं। बहन, आपके मुख पर मुस्कुराहट देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल स्कंद माता की कथा सुनकर ऐसा लगा जैसे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक माता और उसके पुत्र के बीच विशेष संबंध सूत्र कभी नहीं टूटता। न जाने क्यों
हमें ऐसा विश्वास होने लगा है बहन कि हमें हमारा पुत्र अवश्य मिलेगा। आपके मन में इस व्रत के प्रभाव से आस्था जगी, बहुत अच्छी बात है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस पूरी भक्ति से प्रार्थना कीजिए। माँ आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। व्यक्ति गाय पाले, भौभौ करता श्रवण पाले, किंतु भ्रम कभी ना पाले। दो चार दिन व्रत क्या रखेंगे? आप खुद को बहुत बड़े तपस्विनी समझने लगे हैं। ये मत भूलिए कि एक साधारण स्त्री है आप, अपने पुत्र को तो संभाल नहीं पाए और चली है विश्वास करने कि माता रानी सारे जगत को छोड़कर अपनी कृपा केवल आप पर बरसाएंगे। अब भाई ये तो अति ही होगी। दीदी अब बस भी कीजिए ना, आप इतना कड़वा काहे बोल रही हैं आप? हम तो केवल सच बोल रहे हैं। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने हबी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं हम ऐसे लोगों को। हाँ नहीं तो क्या कहा आपने? ये क्या मैंने अभी अभी माता को देखा? क्या मेरा कोई भ्रम था? स्त्रियों का इस समाज में सहज जीवन जी पाना पहले से कठिन है, और आप एक स्त्री होकर भी दूसरे स्त्री के मार्ग पर कांटे बो रही हैं। आपको तो इन्हें मानसिक शांति देनी चाहिए, किंतु आप इन्हें मानसिक संताप दे रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए ना, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, है ना? आप हुआ जी की बातों से प्रभावित मत होइएगा, माँ भगवती आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगी। अब तक आप सबने सुना कैसे माँ ने शैल पुत्री के रूप में महाराज हेमवंत के घर जन्म लिया। आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर चंद्रघंटा के रूप में घंटनाद करके उन्होंने बुरी शक्तियों का नाश किया। और फिर इस संसार और अपने पति के घर को सुंदर और स्वच्छ बनाए। कुष्मांडा के रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि वो इस संसार की प्राण शक्ति है। और फिर स्कंदमाता के रूप में कार्तिकीय और गणेश को जन्म देकर उन्हें योग्य बनाया। माँ के अब तक के सारे अवतारों में हर स्त्री की तरह उनकी प्राथमिकता थी उनके पति, घर और उनकी संतानें। किंतु एक स्त्री का अस्तित्व केवल घर के चार दीवारों के भीतर नहीं होना चाहिए, अपने घर संसार के साथ साथ
एक स्त्री समाज, संसार और जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन हम देवी माँ के कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं, जिन्होंने इस संसार को स्त्री शक्ति की व्यापकता का प्रदर्शन किया। माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ था? माँ, इसका कारण एक राक्षस था सुपर, जिसका अंत केवल और केवल माँ ही कर सकती थी। उस राक्षस का नाम था महिषासुर। महिषासुर? वो कौन थे भैया जी? उनकी कहानी भी सुनी है ना माँ भगवती की कृपा से। राम और क्रम नाम के दो राक्षस भाइयों ने देवताओं से भी अधिक बल और सामर्थ्य अर्जित करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे एक वरदान दिया कि उसे एक महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो अपने भीषण तपस्या से अमरता के समान अद्भुत वरदान प्राप्त करेगा। तथा ये सुनकर रम तो प्रसन्न हो गए, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता चिंता में डूब गए। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद रम एक बलशाली भैंस पर मोहित हो गए और उस महिषी के साथ संगम से उसे एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर। जन्म के बाद से ही महिषासुर हिंसा करने लगा था। उसका भय मात्र पशु पक्षी और मनुष्य में ही नहीं बल्कि देवताओं में भी था, क्योंकि उसमें अमृत के समान वरदान प्राप्त करने की क्षमता थी, और यदि वो अमर हो जाए तो संसार का विनाश निश्चित है। महिषी के साथ संगम से उसे एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। जन्म के बाद ही महिषासुर हिंसा करने लगा था, बिना किसी कारण के अपने निकट के जीव जंतुओं को सताने लगा। उसका यह स्वभाव देखकर देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कहीं क्रम ने भी वरदान में महिषासुर जैसा पुत्र मांग लिया तो संसार में अस्थिरता आ सकती है। और उन्होंने क्रम की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। देवराज इंद्र मगरमच्छ का रूप धारण करके सरोवर में उतर गए, जहां क्रम अपनी तपस्या में लीन थी। उस मगरमच्छ के प्रभाव से क्रम की तपस्या भंग हो गई और फिर उन दोनों में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में देवराज इंद्र ने क्रम का वध कर दिया। किंतु उसी समय रम अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां पहुंचे और फिर क्रम, मेरे भाई ये क्या हो गया? इतनी शीघ्र तुम मुझे छोड़कर चले गए मेरे भाई। अभी तो हमें इस सृष्टि पर मिलकर राज करना था मेरे भाई, अब जब तुम ही नहीं रहे तो इस सृष्टि का क्या लाभ? और क्या लाभ ऐसे राजपाट का? नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। आ रहा हूं मैं। क्रम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। पुत्र, अपने पिता और अपने काका की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेने और स्मरण रहे कि दुष्टों ने असमय हमें मृत्यु के मुख में जाने के लिए विवश कर दिया। मैं जानती हूं,
आप अपने भाई से कितना प्रेम करते थे, किंतु यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा स्वामी? स्वामी, स्वामी! नहीं, अबला नारी हूं मैं, अपने स्वामी के बिना इस संसार में जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। मैं भी इस देह का त्याग करूंगी। नहीं माँ। पर तुझे हम सब की मृत्यु का प्रतिशोध लेना होगा। देवताओं के राजा इंद्र से उसका सिंहासन छीन कर तुझे त्रिलोक का स्वामी बनना होगा। नहीं, माँ, देवताओं के छल और धृष्टता के कारण असुरों ने ऐसे ही प्राण गंवाए हैं, किंतु मैं अब असुरों के साथ और अहित नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं महिषासुर का मार्गदर्शन करूंगा। पिताजी! अपनी आंखों के सामने उस बालक ने अपने काका, पिता और माँ को साथ छोड़कर यमलोक जाते हुए देखा। उसी समय उसके भीतर कुछ टूट गए और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उस बालक की असीमित शक्ति का आभास पहले से ही हो गया था। समय के साथ उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि महिषासुर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएगा। रंभ का पुत्र होने के कारण महिषासुर को जन्म से पहले ही महादेव का वरदान मिल गया था कि यदि वो सच्चे हृदय से तपस्या करेगा तो उसे अमृतत्व के समान शक्तिशाली वरदान मिलेगा। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने उसे ब्रह्मदेव की तपस्या करके उसके नियति अर्थात वरदान की वो असीमित शक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय 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 नमः। के तपोबल में निरंतर होती वृद्धि हमारे लिए संकट का सूचक है। अब तो बस एक ही उपाय शेष है, हमें इसकी तपस्या भंग करनी होगी। मुझे देवताओं का षड्यंत्र रोकना होगा। मुझे महिषासुर की तपस्या की रक्षा करनी होगी। देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय।
नमः। वरुण देव, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अग्निदेव, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वायुदेव, कुछ भी कीजिए पर मुझे परिणाम चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम देवताओं की शक्ति इतनी भी अधिक नहीं कि मेरे सुरक्षा कवच को भेद पाओ। इसकी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। महिषासुर अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक और असुरों के गुरु शुक्राचार्य महिषासुर को अमृतत्व की ओर ले जा रहे थे, तो दूसरी ओर देवी पार्वती को आने वाले संकट का अनुभव होने लगा। अभी उन्होंने सक्रिय रूप से इसका अनुभव नहीं किया था, किंतु धीरे धीरे उनका मन कैलाश से भटकने लगा था, क्योंकि उन्हें चिंता थी अपने रचाए हुए संसार की और उसमें रहने वाले संतानों की। माँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ, अरे ये क्या हो रहा है और माँ इतनी विचलित क्यों प्रतीत हो रही हैं? अवश्य ही माँ किसी बड़ी चिंता में है। क्या मुझे पिताश्री से इस विषय में बात करनी चाहिए? नहीं, अभी ये उचित नहीं होगा, अन्यथा पिताश्री माँ के लिए चिंतित हो जाएंगे। नंदीजी, माँ के हाथ में तो चाकू है, लेकिन इनकी परछाई में ये इतनी बड़ी तलवार कैसे दिखाई दे रही है? हे महादेव, रक्षा कीजिए। क्या हुआ? गणेश जी, माँ, माँ की छाया। मेरा भय सत्य था, माँ अवश्य ही किसी चिंता में है, किंतु प्रतीत होता है उन्हें स्वयं उनकी इस अवस्था का आभास नहीं। अरे, तुम तीनों को क्या हुआ? अभी भोजन बनने में समय शेष है। Thank you.
माँ के प्रतिबिंब में जिन विचित्र भावों की झलक दिख रही है वो अवश्य ही भविष्य की किसी घटना का संकेत है, पर किस घटना का और क्या कारण हो सकता है इसका? अरे इन्हें क्या हुआ, बिना कुछ बोले ही चले गए। महादेव, महादेव, सहायता महादेव, 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 हम सब प्रयास के बाद भी महिषासुर की तपस्या भंग नहीं कर पाए। यदि उसकी तपस्या पूरी हो गई और उसे अमृत का वरदान मिल गया तो संसार को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा प्रभु। जो संसार मेरी संतानों की क्रीड़ा भूमि है उसे नष्ट नहीं होने दूंगी मैं। शांत हो जाइए आप सब। आपकी चिंता उचित है देवराज, पर महिषासुर अभी अपने गुरु की छत्रोछाया में है। और गुरु का मान हमें रखना ही होगा। पर संकट सामने है ये जानते हुए भी शांत रहना और उसकी प्रतीक्षा करना ये उचित नहीं है महादेव। हमें महिषासुर को अमर और अपराजय होने से रोकना होगा। जिसने जन्म लिया है उसे कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मृत्यु अवश्य घेर लेती है देवी। यही विधि का विधान है। जिस प्रकार कोई भी समस्या बाहर से देखने में असंभव दिखती है उसका समाधान उसी के भीतर छुपा होता है। जिस वरदान से आप सभी देवता भयभीत हैं वही महिषासुर की मृत्यु का मार्ग उजागर करेगा। कैसे महादेव? ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। महादेव तो अपनी बात कहकर अपनी समाधि में लीन हो गए, किंतु देवी पार्वती वो कैलाश में रहते हुए भी उन्हें संसार के अन्य सभी की चिंता सताने लगी। महादेव के पास होकर भी देवी पार्वती के मन में शांति नहीं थी। और फिर एक दिन नित्य समय की तरह अपनी माता पिता की पूजा करते समय गणेश ने देखा। अरे ये क्या, माँ कहाँ चली गई? तो
पिताश्री को माँ के बिना देखकर मुझे अचानक से ऐसा विचित्र अनुभव क्यों हुआ? क्या ये कोई अशुभ का संकेत है? गणेश, क्या हुआ पुत्र? प्रतिदिन जो पूजा समाप्त बाद में होती थी, पर मोदक की कल्पना में तुम्हारा मुख पहले ही खिल जाता था, पर आज मोदक के लिए तुमने मां के सामने हाथ नहीं बढ़ाए। मां, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी ना? तुम्हारी मां के प्राण बसते हैं तुम में, भला वो तुम्हें छोड़कर कहां जाएंगे? मैं जानता हूं पिताश्री, पर फिर भी आज यही बात मां के मुख से सुनने का मन कर रहा है। कहिए ना मां, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना आप? कभी नहीं ना? ये तू क्या कह रहा है गणेश? क्या हुआ देव, आप इतनी असहज क्यों हैं? माँ। गणेश, चिंतित ना हो पुत्र, मैं तुम्हारी माता से बात करता हूं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा भय सत्य हो जाएगा और माँ कैलाश और हमें छोड़कर चली जाएंगी, और इस बार पिताश्री माँ से विरह सह नहीं पाएंगे। कहीं संसार को विनाश का मुख न देखना पड़ जाए।